हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रांजिल झुनका रेसिपी। ये झुनका रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होती है। इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो ये देखिए, ये मैंने छोटे बैंगन लिए हैं और ये बेसन। अभी हम बेसन इसमें डाल लेंगे और इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। जैसे हम पकौड़ी का करते हैं वैसे ही सेम इसका पेस्ट तैयार करना है। तो इसमें हम मसाला डालेंगे। तो ये मैंने छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, ये मैंने मिर्च पाउडर का लिया है। आपको ज़्यादा तीखा हो तो आप ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो। ये मैंने नमक लिया, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। ये मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। हरी मिर्च लेंगे, तो दो मैंने हरी मिर्च कट करके रखी थी ये डाल दी है मैंने। ये हरा धनिया डाल दिया। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे और इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं सेम वैसा ही हमें पेस्ट चाहिए एक इसका। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए, थोड़ा और लेते हैं पानी। ऐसे धीरे धीरे हम इसका अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन को। देख पा रहे होंगे आप, अभी हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें ये देखिए, ये मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है आधा चम्मच और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है, ये देख पा रहे होंगे। अभी थोड़ा और डाल देते हैं इसमें पानी। तो ये देखिए, पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है बनाने में, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना ब्रांजिल झुनका की रेसिपी। तो ये देखिए, अच्छा सा हमारा पेस्ट बन चुका है। हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए, ये देख पा रहे होंगे आप। अभी हम ब्रांजिल लेंगे। तो इनको देखो, ऐसे छोटे छोटे अच्छे से साफ कर लेंगे चाकू से थोड़ा थोड़ा। और आगे पीछे से हमने साफ कर लिया है। और ऐसे हमें कट लगाना है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, चार हिस्सों में हमें कट लगाना है। दो कट कर लिया, चार हिस्सों में हो गया। ये देखो, ऐसे हमारे इसमें कीड़े भी नहीं दिखेंगे। और ये देखिए, फिर से हमने ऐसे कोने को और थोड़े थोड़े कांटे हमने साफ कर लिए हैं चाकू से, ये देखिए। और थोड़ा पीछे से हम ऐसे कट लगाएंगे। ये देखिए, हम देख लेते हैं इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। ये देखिए, थोड़ा सा हमें काला दिख रहा है तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा छेद दिख रहा है काले का, तो इसको हम थोड़ा निकाल लेते हैं। ये देखिए, ऐसे हम निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम सारे ब्रांजिल को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सभी को अच्छे से कट कर लिया है। ये बीच से हमने चीरा लगाया है इसको। अभी हम जो बेसन का पेस्ट तैयार किया, ऑयल गर्म हो चुका है। तो ये देखिए, ऐसे ब्रांजिल को ऐसे बेसन के पेस्ट में डुबोना है। ये देख पा रहे होंगे, अच्छे से हमें पूरा ब्रांजिल को बेसन के पेस्ट में छुपा लेना है। ये देखिए, अच्छे से छुप चुका है। अभी हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। ऐसे सारे ब्रांजिल हमें बेसन के पेस्ट में भर के कढ़ाई में डालना है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसमें बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तो आप ट्राई ज़रूर करना। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसे हम ये ब्रांजिल को फ्राई कर लेंगे, जैसे हम पकौड़ी फ्राई करते हैं वैसे ही। तो हम एक बार तीन ही डालेंगे, तीन ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे इसमें। तो ऐसे पलट लेंगे और पलट पलट के इनको फ्राई कर लेंगे। और गैस को हम मीडियम ही रखना है,
ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, तेज़ करेंगे तो ऊपर से बेसन जल जाएगा और अंदर से ब्रांजिल कच्चा रह जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अंदर से पका है या नहीं। तो ये देखिए अभी पका नहीं है, तो इसमें फिर से हम ऑयल में डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ी देर और फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको ब्रांजिल झुनका बनाने की। ऐसे थोड़ा पलट देते हैं, अभी अच्छे से हो चुका है। तो अभी हम पक चुका है, अभी हम निकाल लेते हैं इसको, ये देख पा रहे होंगे। तो अभी हम ऐसे निकाल लेंगे सभी को, एक बर्तन में निकाल लेती हूँ मैं। ऐसे थोड़ी देर रुकना है, इससे हमारा तेल पूरा झड़ जाएगा। ये देखिए ऐसे झाड़ लेते हैं तेल को। अभी हम दूसरे ब्रांजिल डाल लें, ऐसे ही सारे ब्रांजिल को हम फ्राई कर लेंगे। सभी को हमें ऐसे ही करना है। तो ये देखिए हमने सभी को ऐसे ब्रांजिल को फ्राई कर लिया है बेसन में। ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो चटनी के साथ, तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये मैंने ऑयल लिया है, ये ऑयल वही लिया जो ब्रांजिल फ्राई किया है, इसमें जीरा डाल दिया है मैंने। अभी हम इसमें कटे हुए लहसुन की कलियाँ डालूंगी। तो ये कटी हुई लहसुन की कलियाँ ऐड कर दी है हम इसी में, और इसको अच्छे से थोड़ा चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे ऑयल में, थोड़ा फ्राई कर लेते हैं ऐसे। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे पहले। तो ये मैंने दो हरी मिर्च ली है, दो हम पहले डाल चुके हैं। तो अभी अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप और भी ले सकते हो, मैं दो हरी मिर्च ली है अभी इसमें। ये एक बड़ा प्याज कट कर लिया है मैंने, ये भी इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अभी चम्मच से मिक्स कर देते हैं और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस को हमें तेज़ नहीं करना है, अगर आप मीडियम में पकाओगे तो बहुत ही अच्छी कोई भी चीज़ हो मसाला बन के रेडी होता है। तो हम अच्छे से ब्राउन होने तक इसका वेट करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम इसमें मसाला डाल देते हैं। तो मैंने एक चम्मच छोटा हल्दी पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने मिर्च पाउडर का लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर का लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। ये लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने एक चम्मच, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो आप, कम या ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को मीडियम ही रखना है, इस बात का ध्यान देना है। ये गरम मसाला डाल दिया है मैंने, अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मसाला पकने के बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे, उससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये मैंने तीन टमाटर के पेस्ट बना लिया है मिक्सी के जार से, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि अभी हम इसको मसाले सभी को अच्छे से पकाना है, हमें 3 मिनट के करीब मसालों को अच्छे से पकाना है। जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे तब तक हमें इसको पकाते ही रहना है। तो ये देखिए ऐसे थोड़ा हम बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे, 3 मिनट के करीब हम इसको मसाले को पकाएंगे। तो ये देखिए उबाल आ चुका है, अभी हम थोड़ा और पकाएंगे, अभी मसाला पका नहीं है अच्छे से। तो देखिए बीच बीच में इसको ऐसे ही चम्मच की सहायता से हिलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके ना। तो अभी और बाकी है, तो ये देख पा रहे होंगे अभी मसाला अच्छे से पक चुका है। ये देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, ये देख पा रहे होंगे कलर भी चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें एक बड़ा गिलास हम पानी डालेंगे। तो ये मैंने एक बड़ा गिलास पानी का लिया है, ये डाल दिया है मैंने। अगर आपको ग्रेवी और भी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ले सकते हो, मैंने एक बड़ा गिलास लिया है, इससे ग्रेवी बनेगी। इसमें हम ब्रांजिल को डुबोएंगे, अगर कम पानी लेंगे तो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो अभी हम इसको भी हम 2 मिनट के करीब पानी डाल के इसको 2 मिनट के करीब ढक के पकाएंगे। तो ये 2 मिनट हो गए हैं, अभी देख लेते हैं। ये देखिए अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो अभी हम चम्मच से एक बार फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें हम ब्रांजिल जो फ्राई कर रखे थे वो डाल देंगे। तो ये देखिए
हम सारे ब्रांजिल एक एक करके इस मसाले में डाल देंगे और हम आधा 1 मिनट के करीब इसको मसाले में पकाएंगे। ये देखिए हम सारे ऐसे ही डाल देंगे। थोड़ा हाथ का ध्यान रखना, हाथ जल ना जाए, सावधानी से इसमें डालने हैं। तो देखिए हमने सारे ब्रांजिल इसमें सारे ऐड कर दिए हैं मसाले में, और थोड़ा नॉर्मल हाथों से चम्मच से थोड़ा इधर उधर कर देंगे ताकि चारों तरफ से मसाला इनमें बैठ जाए। ये देखिए थोड़ा ऐसे पलट देंगे तो अच्छी तरह से मसाला इनमें बैठ जाएगा। ये देखिए अभी हम इनको 1 मिनट के करीब ढक के पकाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पहले से ही फ्राई हो चुके हैं तो ब्रांजिल तो वैसे ही जल्दी पक जाते हैं, तो हम 1 मिनट और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे इनका। तो अभी ढक देते हैं इसको 1 मिनट के करीब। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, अभी हम देख लेते हैं ब्रांजिल अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए अभी हम गैस को बंद कर देते हैं, अभी बन के रेडी हो चुके हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और आपको एक बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। ब्रांजिल एकदम बन के रेडी हो चुके हैं, ये देखिए, और बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और फ्रेंड्स एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी ट्राई ज़रूर करना। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, फिर मिलती हूँ अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।